जानिए क्या है रोजमेरी ऑयल और इसके फायदे व नुकसान। रोजमेरी को सबसे अच्छे खाद्य मसाले के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय सुगंधित और औषधीय पौधों में से एक है। रोजमेरी को दुनिया भर में फूड सीजनिंग के रूप में माना जाता है। यह कई चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे अच्छे एसेंशियल ऑयल में से एक है। बात अगर एसेंशियल ऑयल की करें तो अरंडी के तेल और नीलगिरी के तेल में भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन गुलमेहंदी का तेल उपयोग करके कई व्यंजन बनाए जा सकते हैं। रोजमेरी तेल इसकी पत्तियों से निकाला जाता है और खाना पकाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। शरीर को मजबूत करने और हृदय, मस्तिष्क और लिवर जैसे नाजुक अंगों को ठीक करने की क्षमता के कारण दुनिया भर के लोगों द्वारा इसकी सराहना की जाती है। हम यह आपको रोजमेरी ऑयल के फायदे और इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। रोजमेरी तेल क्या है? रोजमेरी ऑयल के बारे में कुछ भी जानने से पहले यह जान लेना बेहद जरूरी है कि रोजमेरी क्या होता है। जड़ी बूटियों की रानी के बारे में बात करते समय रोजमेरी हमेशा सूची में सबसे ऊपर होती है। रोजमेरी नाम लैटिन शब्द रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ है ओस या धुंध और मारिनस का अर्थ है समुद्र। रोजमेरी एक सदाबहार झाड़ी है जिसमें सुई जैसी पत्तियां और एक लकड़ी की सुगंध होती है। साथ ही इसके फूल गुलाबी, बैंगनी, नीले या सफेद रंग के होते हैं, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के मूल निवासी है। रोजमेरी का वैज्ञानिक नाम रोजमारिनस ऑफिसिनालिस है और यह लेमियासी टक्साल परिवार का सदस्य है, जिसमें कई अन्य जड़ी बूटियां शामिल हैं। हालांकि रोजमेरी को दुनिया भर में फूड सीजनिंग के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसके अन्य लाभ भी हैं, विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ। प्राचीन ग्रीक और रोमन इस रहस्य के बारे में जानते थे और रोजमेरी तेल की स्वस्थ लाभों को प्राप्त करते थे। रोजमेरी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की एक जड़ी बूटी है। पत्ती और उसके तेल का उपयोग आमतौर पर भोजन में दवा बनाने में भी किया जाता है। इसे हिंदी में गुलमेंदी कहा जाता है। यह एक बारहमासी जड़ी बूटी है। रोजमेरी ऑयल के फायदे। रोजमेरी कई स्वास्थ्य लाभों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। हालांकि वैज्ञानिक भी अभी भी इसके संभावित स्वास्थ्य लाभों का परीक्षण कर रहे हैं। रोजमेरी स्काल्प पर लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जो बालों की डोम को बढ़ने में मदद कर सकता है। रोजमेरी का अर्क त्वचा को सूरज की क्षति से बचाने में भी मदद कर सकता है। इसके और भी कई फायदे हैं, जिसका विवरण हम यहाँ आपको बता रहे हैं। याददाश्त में सुधार कर सकता है। प्राचीन ग्रीस और रोम में रोजमेरी को स्मृति को मजबूत करने के लिए प्रयोग किया गया है। अनुसंधान में पाया गया है कि गुलमेहंदी के तेल को अंदर लेने से एसिटाइलकोलाइन के टूटने को रोकने में मदद मिलती है। यह एक मस्तिष्क रसायन है, जो सोच, एकाग्रता और स्मृति के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रोजमेरी ऑयल एसिटाइलकोलाइन के मेटाबॉलिज्म को कम करने में भी मदद करता है। पाचन के लिए अच्छा। वैसे तो खाना बनाने के लिए ज़्यादातर भारतीय घरों में सरसों के तेल के फायदे गिनाए जाते हैं, लेकिन रोजमेरी एसेंशियल ऑयल फायदों को भी नकारा नहीं जा सकता है। इसके सबसे प्रमुख लाभों में से एक यह है कि यह पाचन में सहायता करता है। यह पेट फूलना, कब्ज, पेट में ऐंठन, सूजन और अपच से राहत के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम तेलों में से एक है। यह भूख बढ़ाने वाले के रूप में भी प्रभावी साबित होने के साथ साथ अपच के लक्षणों से राहत दिलाने में भी मदद करता है। इसके अलावा गुलमेहंदी का तेल लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है और पित्त के निर्माण और रिलीज को विनियमित करने में भी मदद करता है, जो पाचन प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। मेहंदी का तेल रक्त के प्रवाह को उत्तेजित करता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में भी
फायदेमंद साबित होता है। मेहंदी का तेल रक्त के प्रवाह को उत्तेजित करता है और पोषक तत्वों के अवशोषण में भी फायदेमंद साबित होता है। बालों के लिए अच्छा। रोजमेरी ऑयल के फायदे बालों के लिए भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। आप रोजमेरी ऑयल का उपयोग करके अपने बालों की खूबसूरती को अलग स्तर पर ले जा सकते हैं। यह लोशन और शैम्पू में सबसे आम सामग्री में से एक है। इस तेल का नियमित उपयोग बालों की रोम को उत्तेजित करने में मदद करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाल मजबूत और लंबे होते हैं। यह समय से पहले बालों के झड़ने और बालों की सफ़ेद होने की प्रक्रिया को धीमा करने में भी मदद करता है। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल रूखी और बेजान स्काल्प के लिए भी अच्छा होता है। नियमित रूप से मेहंदी के तेल से सिर की मालिश करने से उसे पोषण मिलता है और डैंड्रफ को दूर करने में भी मदद मिलती है। दर्द को कम करने में मदद करें। रोजमेरी ऑयल एक दर्द निवारक के रूप में भी काम करता है। यह विशिष्ट प्रकार के दर्द के लिए भी संभावित रूप से सहायक है, जैसे कि मधुमेह वाले लोगों में तंत्रिका संबंधी दर्द को कम करना, मासिक धर्म में ऐठन और रक्तस्राव को कम करना और पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस से संबंधित दर्द को कम करना। इम्यूनिटी करें बूस्ट। गुलमेहंदी से प्राप्त तेल एंटीऑक्सीडेंट की गतिविधि को उत्तेजित करने में मदद करता है, जो बीमारियों और संक्रमणों से लड़ने के लिए खुद को शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रकट करता है। एंटीफंगल और जीवाणुरोधी गुणों से भरपूर रोजमेरी ऑयल के फायदे अरोमाथेरेपी, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी बीमारियों से निपटने में मदद कर सकते हैं, जो एक सामान्य सर्दी से लेकर हृदय रोग तक हो सकती है। जोड़ों की सूजन को करें कम। गुलमेहंदी का तेल टिश्यूज की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे सूजन, दर्द और कठोरता हो सकती है। एक अध्ययन के अनुसार जब रिमेटाइड गठिया वाले लोगों को मेहंदी के तेल का मिश्रण उपयोग करके साप्ताहिक रूप से 3 बार 15 मिनट की घुटने की मालिश दी जाती है तो उन्हें 2 सप्ताह में सूजन वाले घुटने के दर्द में 50% की कमी होती थी, जबकि तेल न देने वालों में 12% की कमी होती थी। रिमेटाइड गठिया एक ऑटोइम्यून स्थिति है, जिसमें आपकी शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली घुटनों और अन्य जोड़े टिश्यूज पर हमला करती है, जो ज्वाइंट्स लाइनिंग को घायल करती है और उनमें सूजन पैदा करती है। सर्कुलेशन बढ़ाएं। खराब परिसंचरण एक आम शिकायत है। आप इसे अपने हाथों और पैरों में सबसे अधिक देख सकते हैं। यदि आप ठंडी उंगलियों और पैर की उंगलियों का अनुभव करते हैं तो गर्म तापमान में भी तो आपको रोजमेरी का तेल लगाना चाहिए। यदि आपको रेनोड की बीमारी है तो आपकी उंगलियों और पैर की उंगलियों में रक्तवाहिकाएं ठंड या तनावग्रस्त होने पर सिकुड़ जाती है, जिससे वे अपना रंग खो देते हैं और ठंडे हो जाते हैं, तो रोजमेरी ऑयल की मालिश इसे ठीक करने में आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकती है। गुलमेहंदी का तेल आपकी रक्तवाहिका का विस्तार करके मदद कर सकता है, जिससे आपके रक्त को गर्म किया जा सकता है, ताकि यह आपकी उंगलियों और पैर की उंगलियों तक आसानी से पहुंच सके। रोजमेरी तेल का उपयोग। रोजमेरी ऑयल को इनहेल किया जा सकता है या ऊपरी तौर पर लगाया जा सकता है। आपको एक बार में इसकी कुछ केवल बूंदों का उपयोग करना चाहिए। जिन छोटी बोतलों में इसे बेचा जाता है उनमें प्लास्टिक ड्रॉपर भी होते हैं, जो एक एक बूंद को निकालना आसान बनाते हैं। ध्यान रहे, किसी भी एसेंशियल ऑयल को कभी निगलना नहीं चाहिए। मेहंदी के तेल को इनहेल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप बोतल खोलकर सांस लें। वैकल्पिक रूप से आप कुछ बूंदों को कपड़े या टिश्यू पर लगाकर आप इसे अपने चेहरे के पास रख सकते हैं। बहुत से लोग अरोमाथेरेपी के लिए डिफ्यूजर का उपयोग करते हैं, जो एसेंशियल ऑयल को आसपास की हवा में वितरित करते हैं। सामान्य तौर पर डिफ्यूजर को शिशुओं या छोटे बच्चों के पास रखने से बचें, क्योंकि यह जानना मुश्किल है कि वो कितनी मात्रा में सांस ले रहे हैं। वहीं अगर आप इसे त्वचा पर सीधा लगा रहे हैं तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल
आपके रक्त प्रवाह में आसानी से अवशोषित हो जाता है। हालांकि रोजमेरी ऑयल को आमतौर पर जोजोबा तेल के साथ पतला करने की सलाह दी जाती है। यह आपकी त्वचा की संभावित जलन और तेल की समय से पहले बाष्पीकरण को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा रोजमेरी का तेल भी सबसे अच्छे तेलों में से एक है, जिसे सफाई स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग या तो बाथरूम या रसोई की सफाई के लिए किया जा सकता है। इसमें जीवाणुरोधी, एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो इसे सबसे अच्छे क्लींजिंग के तेलों में से एक बनाते हैं। फाइटोकेमिकल्स की सामग्री के कारण गुल मेहंदी का तेल का उपयोग पारंपरिक दवाइयों में भी किया जाता है। रोजमेरी तेल का उपयोग नेचुरल डिओडोरेंट के रूप में भी किया जा सकता है, जो शरीर की गंध को दूर करने में मदद करता है। रोजमेरी तेल के नुकसान। रोजमेरी का सेवन आमतौर पर खाद्य पदार्थों में किया जाता है। गुल मेहंदी का पत्ता संभवतः ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित होता है, जब इसे 4 सप्ताह तक दवा के रूप में लिया जाता है। लेकिन बिना पतला किए गुल मेहंदी का तेल या बहुत बड़ी मात्रा में गुल मेहंदी की पत्ती लेना असुरक्षित है। बड़ी मात्रा में गुल मेहंदी लेने से उल्टी, धूप के प्रति संवेदनशीलता और त्वचा का लाल होने हो सकता है। इसके अलावा जब रोजमेरी ऑयल त्वचा पर लगाया जाता है तो संभवतः अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित होता है, लेकिन कुछ लोगों में एलर्जी का कारण हो सकता है। अगर आपको यहाँ दिए गए रोजमेरी ऑयल के फायदे पसंद आए हो तो इन्हें अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें।